अभ्यास के जड़मत होत सुजान। वेलकम है स्टूडेंट्स आपका अभ्यास सीरीज में। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, करत करत अभ्यास के मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से जड़मत होत सुजान। वो वीक स्टूडेंट्स भी इतने अपने आप को कैपेबल बना लेते हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने से भी उनके सामने मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं टिकता। सो हां जी स्टूडेंट्स, आपका वेलकम करती हूं अभ्यास सीरीज में, और इसी कोट के साथ आप सबके अंदर इतना मोटिवेशन भर दूंगी भी जो आज का हमारा डे वन होने वाला है फॉर क्लास 10th, ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपके लिए लाभदायक जो है, मतलब बहुत ज्यादा आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है इस लेक्चर से। सो जैसे कि आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी, इस पिक्चर दिख रही होगी, इस पिक्चर में आपको एक ह्यूमन माइंड दिख रहा है और इस ह्यूमन माइंड के अंदर आपको एक की दिख रही है। यही की जो है ये आपको अपनी माइंड की थोड़ी सी क्या करनी है, खोलने की जरूरत है। और ये आप कैसे खोल सकते हैं, ये खुद से खोल सकते हैं, खुद की मेहनत से खोल सकते हैं। आप अगर किसी भी थॉट प्रोसेस को, किसी भी सक्सेस से रिलेटेड भी आपने ये बनना है, आपने कुछ बनना है, आपने ऑलरेडी अपने माइंड में अगर एक बार उसे सोच लिया ना, तो बस चाबी घुमाने की देर है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की देर है, और आपके वो सक्सेस जो है वो आपके पास होगा। ठीक है, जो आपने ड्रीम किया है वो आप उसको बहुत इजीली जो है अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सफलता जो है वो आपकी सोच से है और आपकी सोच में है। अगर आप एक बार कुछ ठान लेंगे तो बहुत इजीली आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अभ्यास सीरीज पे, और मैं आपको बता दूं भी अभ्यास सीरीज के अंदर हम किस तरह से इसे फॉलो करेंगे, क्या पैटर्न रहने वाला है क्वेश्चंस का। तो आपको इस सीरीज के अंदर डेली मैं आपको 30 क्वेश्चंस करवाया करूंगी, ठीक है, 30 क्वेश्चंस, और इस 30 क्वेश्चंस को हम उसी पैटर्न से फॉलो करने वाले हैं जो कि हमारा पैटर्न ऑलरेडी सीबीएसई द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब एक आधे स्टूडेंट्स जो बोलते हैं जो शायद दूसरे बोर्ड के भी हैं, पैटर्न उनका भी यही है, एमसीक्यूज ही आने हैं, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, एजर्शन रीजन आने हैं, पैटर्न ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। तो मैं आपको हर पैटर्न से, लाइक एमसीक्यूज है या केस बेस्ड क्वेश्चंस है या मैं आपको कहूँ एजर्शन रीजन है, सब कुछ प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, और डेली करवाने वाली हूँ, डेली करवाऊंगी। ऐसा होगा भी आपको, मतलब एक एक चैप्टर से रिलेटेड आपको तीन तीन चार चार वीडियोस मिलेंगी, ठीक है जी, डेली एक एक वीडियो अपलोड होगी। उसके बाद हमारा क्या सिस्टम है भी, एक एक चैप्टर का एक एक दिन फिर से रिवीजन होगी, और फिर सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस होगी। टोटल ये पैटर्न रहने वाला है फॉर कंप्लीट 1 मंथ। जैसे कि आपको पता है दिसंबर में आपका एग्जाम है, डेट शीट आ गई है, और अब आपकी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। एक चीज और बता दूं, अभी बताकर हटी हूं भी, आपके हाथ में है आप कितनी प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आपके साथ खड़ी हूं, इट इज माय प्रॉमिस टू यू। लेकिन आपका प्रॉमिस मेरे साथ क्या होगा अभी, मैम आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे हम उसे बिल्कुल शिद्दत से, पूरी मेहनत से आपके साथ करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए पैटर्न सबसे पहले क्या होने वाला है, पैटर्न आपका कुछ इस प्रकार से है कि स्टूडेंट्स आपको वहां पर तीन तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक आपको दिखने वाले हैं जी एमसीक्यूज, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेकंड चीज आपको क्या दिखने वाली है स्टूडेंट्स, आपको देखने वाले हैं और केस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपको क्या दिखने वाला है, एजर्शन एंड रीजन दिखने वाला है। तो मैं आपको जो डेली का वीडियो लेक्चर आपका होने वाला है उसके अंदर इन्हीं तीन प्रकार के आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूं। पहले हम एमसीक्यूज करेंगे, फिर हम केस बेस्ड एक देखेंगे भी कैसे आपको एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और कुछ एजर्शन रीजन भी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स जिनके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है बट दे आर वीक इन एजर्शन एंड रीजन, उन्हें एजर्शन रीजन में बहुत दिक्कत आती है, पर टेंशन ना लो, आई एम देयर फॉर यू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू भी कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपने उसमें से क्या चीज पकड़नी है और क्या जवाब देना है आंसर में, ठीक है जी। तो हम इन तीन तरह से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं, डेली आपका जो ये होने वाला है लेक्चर आपको मिला करेगा, और डेली आपको 30 क्वेश्चंस मिला करेंगे, 30 क्वेश्चंस आपको डेली मिला करेंगे। सो टुडे इज डे नंबर
1 मंथ के लिए हमारा चलेगा, क्योंकि हमारा दिसंबर में एग्जाम है और आज है 25 अक्टूबर, 25 आपको नवंबर तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद देयर इज डेज फॉर यू, भी आप अपनी सेल्फ स्टडी पर टाइम दें, ठीक है जी। तो डे 1 है, क्वेश्चंस टोटल होंगे आज के लेक्चर के अंदर 30। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक एक क्वेश्चन में डिक्टेट करूंगी स्टूडेंट्स, फिर आपको समझाऊंगी भी वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, और फिर आपसे उम्मीद करूंगी भी एक बार आप बताइए आपको क्या लगता है क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, और फिर उसका सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचाऊंगी, ठीक है जी। करें क्वेश्चंस, करें शुरू। चलो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में डिक्टेट करना चाहूंगी। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद, क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करिए। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद, पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है एवोगैड्रोज लॉ, दूसरा आपको देखने को मिल रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीसरा आपको देखने को मिल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और चौथा आपको देखने को मिल रहा है लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स। ध्यान से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे बड़े आराम से फोकस करेंगे, बड़ा सिंपल सा आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो वो आपको बोलता है कि जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो किसको फॉलो करती है, किसको ध्यान में रखकर चलती है। तो अगर आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में जब बैलेंसिंग का टॉपिक आपको करवाया गया है, चाहे आपने मेरे से किया है या आपने खुद से पढ़ा है या आपने स्कूल टीचर्स कहीं से भी किया है, आप जरा एक बारी सोच कर देखो, अगर नहीं आता घबराना नहीं है, अभी वो खोलो, दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन, फाइनल एग्जाम नहीं है आपको, या कोई जज नहीं करने वाला भी आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता है, कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं? नहीं, लेकिन जज कौन करेगा आपको, आप खुद जज करोगे, आप खुद जज करोगे खुद को भी, इस बारी गलत हो गया चलेगा, अगली बारी गलत नहीं करना है, दैट्स इट। अभी गलतियां कर लो चलेगी, मैं हर बार ये बोलती हूँ स्टूडेंट्स को जब भी प्रैक्टिस करवाती हूँ, अभी जितनी मर्जी गलतियां कर लो चलेगा, बट इन योर फाइनल एग्जामिनेशन वो गलती नहीं होनी चाहिए, उसे सीखेंगे। क्वेश्चन देखो, तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग हमें ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, हम शुरुआत ही यहां से करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए भी किसी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकॉर्डेंस में होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ, ठीक है जी। हाँ जी, आप चाहे तो ये जो बाकी के आपको दे रखे हैं लॉज, इनको रीड करेंगे आपको तो भी पता चल जाएगा, दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि वो इसके अकॉर्डेंस में होती है, ठीक है जी, इसको फॉलो करके होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे प्रोसीड करते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, तो आप सबने जब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ये चैप्टर देखा था तब आपने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में जरूर पढ़ा होगा, फिजिकल चेंज इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। अब आप देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बेसिकली क्या होता है, फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, वो रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन केमिकल चेंज इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, है ना। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है जी। तो देखो पहला है बॉइलिंग ऑफ वॉटर टू गिव वॉटर वेपर, पहला ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वॉटर टू गिव वॉटर वेपर। अब एक बात बताओ, मैंने बोला फिजिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो रिवर्स हो सकता है, ठीक है जी, और बेसिकली क्या होता है आपने बताया कौन सा फिजिकल नहीं है, मतलब कौन सा इनमें से रिवर्स नहीं किया जा सकता। पहले ऑप्शन में वो ये कहता है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, पानी को हमने बॉइल किया और उससे उसके वेपर्स बने, तो वापस से वो उसमें कन्वर्ट हो सकता है, हमने पढ़ा है सॉलिड को हम लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं, और गैस को वापस सॉलिड में बदला जा सकता है, सो हमने ये प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ रखा है, सो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। लेकिन ये वो बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, वही चीज हो गई ना, आइस को आप मेल्ट कर रहे हो और वाटर बना रहे हो, है ना जी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सॉलिड को मेल्ट कर रहे हो, लिक्विड बना रहे हो, है ना, वापस से लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको फ्रीज कर दो, तो वो भी क्या एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन वो यहाँ पर उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, जो सॉल्ट इन वाटर को आप डिसॉल्व करते हो, ठीक है, इट इज ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस, ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो पूछ रहे कौन सा नहीं है,
एक ही ऑप्शन बचता है, वैसे तो कोई हमारे पास चांसेस नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है, जब इसके हम कंबशन करवाते हैं तो वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट, और केमिकल चेंज में हमेशा हमें वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो कौन सा इनमें से एक फिजिकल चेंज नहीं है, इट इज कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज एलपीजी, जो क्या है, एलपीजी है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, थर्ड की तरफ। Which of the following conditions is necessary for a chemical reaction? अगर आपने chemical reaction करवानी है तो इनमें से कौन सी conditions हैं जो कि necessity हैं, जो कि जरूरी है? It must be accompanied with change in temperature and pressure. वो कहता है जब भी chemical reaction होगा तो जरूरी है भी temperature और pressure बदले। दूसरा option क्या कहता है? It must follow the law of conservation of mass. दूसरा कहता है वो law of conservation of mass को follow करना चाहिए। ठीक है जी। तीसरा क्या कहता है? इट मस्ट बी अकंपनीड विद चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट बदलनी चाहिए, वो कहता है। ठीक है। फोर्थ क्या कहता है? इट मस्ट बी अकंपनीड विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, बी जब भी आपकी रिएक्शन होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी निकलनी ही निकलनी चाहिए। एक बात सोच के देखो, जरूरी नहीं है ना हर बार एनर्जी निकले, एब्जॉर्ब भी तो की जा सकती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो फोर्थ वाला तो सीधी सी बात है, सीधा ही गलत हो गया, है ना। इसके बाद अब आप देखो, जरूरी नहीं है कोई भी एक सब्सटेंस जो है वो अपनी स्टेट चेंज करे। हो सकता है सॉलिड सॉलिड में ही टूट रहा है, लिक्विड लिक्विड में ही टूट रहा है, या गैसेस कंबाइन करके गैस ही बना रही है। इट्स नॉट कंपल्सरी भी उसकी स्टेट चेंज हो रही है। सो हमारा ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, इट मस्ट बी अकंपनीड विद चेंज इन स्टेट, ये भी गलत हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है भी, आप किसी में आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है या प्रेशर कांस्टेंट रखना होता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी भी आपको टेम्परेचर प्रेशर चेंज करना ही पड़ेगा, तभी वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो फर्स्ट वाला भी गलत है। तो सेकंड ऑप्शन, अभी हम पीछे भी देख के हटे हैं भी, जब भी कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो किसके अकॉर्डिंग में चलती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। तो केमिकल रिएक्शन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे क्या होती है, उसे वो फॉलो करती है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है, हो गया होगा, सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, डरो मत, डरो मत। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फोर्थ ध्यान से देखेंगे। द इक्वेशन गिवन बिलो डिपिक्ट्स विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, मैं यहां पर इस इक्वेशन को दोबारा लिखना चाहूंगी। देखिए क्या इक्वेशन है, ए प्लस बी इंटू सी गिव्स ए इंटू सी प्लस बी। वो पूछता है ये जो रिएक्शन है ये किस तरह की रिएक्शन है। पहला ऑप्शन है कंबशन रिएक्शन है, दूसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तीसरा ऑप्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन है, चौथा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो अब आप सामने ये तो पढ़ रखा है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीजें कंबाइन करती हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है दो चीजें कंबाइन करी और एक प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं, इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है, एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, तो ये डीकम्पोज भी नहीं हो रहा। अब बचता है कंबशन और डिस्प्लेसमेंट। कंबशन में आपने देखा होगा जो होती है O2 की प्रेजेंस में होती है, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, जी यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो रहा है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब एक एटम दूसरे एटम की जगह ले लेते हैं, उसको डिस्प्लेस कर देता है, या मैं कहूँ उसको रिप्लेस कर देता है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां देखो, यहां स्टूडेंट्स ध्यान से आप देखेंगे, ये हमारा ए है, इसने क्या किया, इस बी की जगह ले ली, उसको डिस्प्लेस कर दिया और सी के साथ बॉन्ड बना लिया, एक प्रोडक्ट बना लिया ए सी, और बी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। सो इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, पांचवे क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ CuO, कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम कॉपर एंड ऑक्सीजन डिनोट्स। ठीक है जी, इनका मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो मैंने क्वेश्चंस लिए स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे बुक्स में से लिए हैं, सो डोंट वरी। आपकी जितनी भी सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करती हुई बुक्स है, मैंने सारी कवर करी हैं।
घबराना नहीं है, आप चाहे कोई बुक बाय भी मत कीजिए, सिर्फ सीरीज देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक से डेली ये 30-30 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ एंड फॉर 1 month करवाने वाली हूँ, तो आप हिसाब लगा लो भी कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखो, फॉर्मेशन ऑफ CuO फ्रॉम कॉपर एंड ऑक्साइड, और सॉरी फ्रॉम कॉपर एंड ऑक्सीजन क्या बताती है, हमने क्या बनाना है, CuO बनाना है, किससे बनाना है, कॉपर और ऑक्सीजन से बनाना है, राइट। अब ये कौन सी रिएक्शन है, साफ स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा है, ऑप्शन एक बार रीड कर देती हूँ, रिडक्शन रिएक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीसरा है रिडॉक्स रिएक्शन, और चौथा है नन ऑफ देम। देखो, जब भी आपको पता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, अगर एक बेसिक सी डेफिनेशन मैं आपसे पूछना चाहूं स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है मैम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होता है मैम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड ही हो रहा है, सो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्लियर होगी, होपफुली सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर होगी। चले आगे, चलिए चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, आप चाहे तो खुद को मार्क्स भी दे सकते हैं, 30 क्वेश्चन है, इट इज अ प्रैक्टिस सेशन, इट इज नॉट अ टेस्ट फॉर यू गाइज, लेकिन प्रैक्टिस में भी आप खुद को मार्क्स दे सकते हैं, देख सकते हैं भी आपकी कितनी तैयारी है और अभी आपको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन 6th क्या है, ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आई विल प्रेफर भी मैं आपको दोबारा लिख के दूं यहां पर तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। Cu प्लस एक्स आगे लगा हुआ है, कोई नंबर है, HNO3 गिव्स, ये क्या देता है, Cu ब्रैकेट स्टार्ट NO3 का ट्वाइस प्लस YNO2 प्लस 2H2O। ओके, सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के अंदर ये जो आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक ये एक्स दे रखा है और एक ये वाई दे रखा है, आपको x और y की वैल्यू बतानी है, सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अगर आप इसको समझो तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बैलेंसिंग करनी है, सीधी सी बात है, कैसे बैलेंसिंग करनी है, जो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है ना स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड को मैं LHS लिख रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके राइट हैंड साइड वाले एटम्स के इक्वल होने चाहिए। एक आपको बेसिक सा तरीका जो मैंने क्लास में भी समझाया, आप क्या लिखो, नंबर ऑफ एटम्स लिख लो, एटम्स लिख लो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, इससे क्या होता है आसानी हो जाती है। एटम कौन से हैं पहले तो ये देखेंगे, ध्यान से देखना, ओके हमारे पास है पहला Cu, Cu एटम है, लेफ्ट हैंड साइड पे Cu कितना है मैम 1 है, राइट हैंड साइड पे Cu कितना है, एक ही है ना, देखो यहाँ पे एक है, बहुत बढ़िया, चलो Cu तो बैलेंस्ड है। अगला एटम हाइड्रोजन ले, अगला एटम हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ कितना है मैम, यहाँ हाइड्रोजन 1 है और राइट हैंड साइड पे बच्चों हाइड्रोजन कितना है, 2×2 = 4 है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। आगे देखो, यहां लिख लेती हूं मैं आगे, एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अब कौन सा एटम आता है, नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, देखो 2 तो ये रहे नाइट्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई और एक यहाँ पे 1 है, 3 है। आगे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ तो यहाँ मैम 3 है, राइट हैंड साइड पे कितना है, 3×2 = 6, 6+2 कितना होता है 8, 8 और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना है 10 है। अब आप यहाँ खुद देखो, Cu है 1, 1, हाइड्रोजन है 1 और 4, आप इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी आप इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, भी 4 आ जाए, ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इस हाइड्रोजन के आगे आपको क्या लगाना है, 4 लगाना है। अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितने हो गए मैम, 4 हो गए, और भी तो चीजें बदलेंगी, नाइट्रोजन अब कितने हो गए मैम, 4 हो गए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए राइट हैंड साइड में, 4×3 कितना होता है 12 मैम, ऑक्सीजन भी 12 हो गए। अब हमारा Cu बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन कितने चाहिए,
हमें यहाँ पर नाइट्रोजन कितने चाहिए, चार चाहिए, और यहाँ कितने हैं, तीन हैं। देखो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज करके देख लेते हैं तो क्या होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, सी यू की वैल्यू भी बदल जाएगी, पूरा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। यहाँ अगर मैं एक नाइट्रोजन है ना, मतलब एक है, यहाँ दो कर दूं नाइट्रोजन, तो इस राइट हैंड साइड पे कितने नाइट्रोजन हो जाएंगे, दो और दो चार, चार नाइट्रोजन हो गए मैम। अब ये टू ऑक्सीजन से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन एटम गिने, थ्री इंटू टू कितने हुए, सिक्स, सिक्स टू इंटू टू फोर, टेन हो गए, सिक्स प्लस फोर कितने हो गए, टेन, टेन और टू कितने हो गए, ट्वेल्व, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया, ट्वेल्व, तो ये भी इधर भी ट्वेल्व है, इधर भी ट्वेल्व है, तो बैलेंस हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई मैम फोर, और वाई की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई मैम, वाई की वैल्यू आ गई टू। क्लियर है, बेस्ट तरीका है, नंबर ऑफ एटम्स लिखो, फिर लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, राइट हैंड साइड पे कितने हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन है थ्री एंड फाइव, दूसरा ऑप्शन है एट एंड सिक्स, तीसरा ऑप्शन है फोर एंड टू, और चौथा ऑप्शन है सेवन एंड वन। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, फोर एंड टू, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा थ्री क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई वुड प्रेफर वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर ले, ताकि किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट ना रहे। क्लियर है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ आपकी स्क्रीन पर, आपको रिएक्शन दे रखी है टू KClO3 गिव्स टू KCl, बैलेंस करके दे रखी है उन्होंने 3O2। ये रिएक्शन कैसी है, पहला ऑप्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा है रिडॉक्स रिएक्शन। अभी जब मैं आपको पिछला क्वेश्चन आया था तब भी मैंने आपको बताया था बी पहला ऑप्शन के डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना, जब एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, तो यहां पर भी यही हो रहा है, एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, इट इज अ काइंड ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हमारा आंसर तो हमारे सामने है, हमारा आंसर क्या है, सामने है। फिर भी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जिसमें एक एटम दूसरे एटम की जगह ले लेता है, यहाँ पे कौन सा एटम किसके एटम की जगह लेगा, एक ही कंपाउंड है ना, तो यहाँ पर देख लो। तो इस तरह से डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, जब एक एटम एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है, चलो वेरी गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ स्टूडेंट्स। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम इज, जब आप आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ करवाते हो, यानी कि वाटर के साथ करवाते हो, तो क्या कंपाउंड ऑब्टेन होता है। देखो स्टीम क्या होता है हमारा, Fe, जब इसकी रिएक्शन हम स्टीम के साथ यानी कि वाटर के साथ करवाते हैं, तो यहां से हमारे पास Fe3O4 ऑब्टेन होता है, और H2 क्या है, रिलीज होता है। ठीक है, जब हम आयरन की क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं विद स्टीम, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, हमें ऑब्टेन होता है Fe3O4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको रिएक्शन नहीं पता तो प्लीज नोट करके याद कर लो, ठीक है जी, इसे नोट करके फिर आप याद कर लेते हैं, ठीक है जी, हां जी करें। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, रीड करती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस burns with a pop sound, pop as it tuck as sound se hota hai, when a burning candle is brought near it, kya ye jo equation aapko de rakhi hai sahi hai ya galat hai, to ye question hai, the carbon dioxide jo hai agar hum ise kisi burning candle ke paas le aaye to ek pop sound se ye kya hota hai burn karta hai, to ye kya true hai kya ye false hai, hum bata nahi sakte bhai, teesra option kehta hai can't say, chautha hai partially true partially false, matlab thoda sahi hai thoda galat hai, थोड़ा सच है थोड़ा झूठ है, आपके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स क्या होगा बताओ। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो बर्निंग कैंडल वाला टेस्ट है ना, ये वाला टेस्ट है, ये H2 गैस के लिए यूज किया जाता है, बर्निंग कैंडल वाला, हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर टेस्ट होता है, लाइम वाटर टेस्ट होता है, और H2 के लिए बर्निंग कैंडल वाला टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। तो अब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगर यहाँ पे लिखा होता भी हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड से बर्न करती है जब बर्निंग कैंडल पास आते हैं, तो सही होता,
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन के लिए लाइम वाटर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपने बताना है इन चारों में से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी है। तो आपका तरीका फिर से, जो अभी हमने इक्वेशन बैलेंस की थी, क्या क्या था? एटम्स हमने क्या देखने हैं, एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड जो है वो एटम्स ऑन द राइट साइड के इक्वल होने चाहिए, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट के एटम्स के इक्वल होने चाहिए। जो रिएक्टेंट के एटम्स हैं वो प्रोडक्ट साइड के एटम्स के इक्वल होने चाहिए। तो देखते हैं पहले रिएक्शन में सारे सारे एटम्स के देखेंगे। पहले आप हाइड्रोजन देखते हैं, कितने हाइड्रोजन है, 2 और 2, 4 हाइड्रोजन है भाई। इधर कितने हाइड्रोजन है, ये H2O ऐसे है और इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। चलो बहुत बढ़िया बात। अगला एटम हमारा आता है नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन है इस साइड पर, 2 नाइट्रोजन है। इस साइड पर कितने नाइट्रोजन है, N के पैर में 2 लगा है, यहाँ पर भी मैम 2 नाइट्रोजन है। अगला एटम ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 3 × 2 कितना हुआ, 6 × 6 + 2 कितना हुआ, 8, तो यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है। इस साइड देखें, ये कितना हुआ, 3 × 2 = 6, 6 और 2 कितना हुआ, 8, तो 8 ऑक्सीजन है। अगला एटम क्या है, कैल्शियम, यहाँ पर है 1 कैल्शियम और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी है 1 कैल्शियम। और कोई एटम बचा, नहीं बचा, यानी कि एटम्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है एटम्स ऑन द राइट साइड के, या फिर मैं कह सकती हूँ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल है एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट के। तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहला ऑप्शन ही हमारी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है। चलिए चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। आपने बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है स्टूडेंट्स। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अब एक और चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो रिड्यूस करता है, जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन करेगा। ये आपको मैं पहले बता दूं, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसकी रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां ध्यान से देखो, MnO2 किस में टूट रहा है, MnCl2 में टूट रहा है, यानी कि ये ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ O2 हो रहा है। लॉस ऑफ O2 क्या होती है, लॉस ऑफ O2 होती है मैम रिडक्शन। लॉस ऑफ O2 क्या होती है, रिडक्शन। और मैंने बताया जो रिडक्शन करता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको OA लिख रही हूं। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, MnO2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, MnO2 का आप देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, वो MnCl2 में टूट रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन लूज हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब लूज हो गया तो यहाँ पर रिडक्शन को क्या बोलते हैं, जो रिडक्शन करता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, MnO2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया बात। चलिए चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। सिल्वर टर्न ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब ये आपको बेसिक से क्वेश्चन जिनका आपको पता होना चाहिए, सिल्वर ब्लैक कलर में क्यों कन्वर्ट होता है, क्या बनता है जिसकी वजह से सिल्वर ब्लैक हो जाता है। Ag2O पहला है, ये 2 ऐसे ऊपर नहीं है, ये ऐसे है, Ag2O, Ag2S, Ag2SO4 और AgNO3, ये ऐसे है। तो सिल्वर ब्लैक होता है Ag2S की फॉर्मेशन के कारण, ठीक है जी, Ag2S की फॉर्मेशन के कारण सिल्वर टर्न्स ब्लैक। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बात। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13th की तरफ। 13th क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो किस तरह का प्रोसेस है। आपको ऑप्शन दिए हैं ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक,
दूसरा ऑप्शन है रिडक्शन एंड एंडोथर्मिक, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन एंड एंडोथर्मिक, और चौथा है रिडक्शन एंड एक्सोथर्मिक। तो पहले हम रेस्पिरेशन की रिएक्शन ही लिख लेते हैं। C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus water plus energy। ये हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है। ये तो हम टेंथ क्लास में देखी है, हमने इससे पहले क्लासेस में भी देखी है, 6th, 7th, 8th में भी रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इनकी रिएक्शंस देखी हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं जो प्रोसेस रेस्पिरेशन का है वो कैसा है। अब ध्यान से देखना, ये देखो C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 में ऑक्सीजन को जोड़ा गया है, ऑक्सीजन को जोड़ा गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। ये देखो प्लस O2 है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं मैम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर साफ दिख रहा है C6H12 प्लस O2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन है। अब रिडक्शन वाले तो बिल्कुल गलत हो गए, जो रिडक्शन वाले ऑप्शन थे वो तो गए। अब आता है भी क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो मैं आपको बता दूं एक्सोथर्मिक के अंदर एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड, और एंडोथर्मिक में स्टूडेंट्स एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो यहां पर हमारी एनर्जी देखो, ये रिएक्शन हुई तो एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो कैसी रिएक्शन है मैम, वो एक्सोथर्मिक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द रस्ट ऑन द आयरन पार्टिकल्स हैज केमिकल फॉर्मूला, जो आयरन पार्टिकल्स के ऊपर रस्ट हो जाता है उसका क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, Fe2O3, ये ऐसे है Fe2O3, ठीक है, FeO, वेरी सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, हां जी Fe2O3, FeO, FeOH का ट्वाइस, ये ऐसे है, फिर ये आपको दे रखा है Fe2O3.XH2O। तो मैं आपको बता दूं जो रस्ट आयरन पार्टिकल्स में होती है उसका फॉर्मूला होता है ये Fe2O3.XH2O, जिसको हम रेडिश ब्राउन रस्ट भी कहते हैं। रेडिश ब्राउन रस्ट भी कहा जाता है, क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिएगा Fe2O3.XH2O, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ, बड़ा ही थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं। द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट की हीटिंग, पहले लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख देते हैं, PbNO3 का ट्वाइस, ये है हमारा लेड नाइट्रेट, ये क्या है, ये है मैम लेड नाइट्रेट, क्लियर है। बोलते हैं इसकी हीटिंग से कुछ ब्राउन फ्यूम्स बनती हैं, एक्स की क्या बनती है, कुछ ब्राउन फ्यूम्स बनती है। तो देखो जब इसको आप हीट करोगे ना, एक तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और O2 बनता है, तो वो आपको बोलता है जब आप इसको हीट करते हो तो ब्राउन फ्यूम्स बनती है एक्स गैस की। अब आपको बता दो ये तो क्या है हमारा लेड ऑक्साइड, ये हमारा क्या है NO2 और O2, ये दोनों क्या है गैसियस फॉर्म में है। अब एक तो आपको पता चल गया अभी इन दोनों में से क्या है, कोई एक्स गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो ब्राउन फ्यूम्स की होती है। तो मैं आपको बता दूं जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा ये लेड ऑक्साइड है,
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना था। पहला ऑप्शन है लेड ऑक्साइड, ये गैस ही नहीं है पहली बात तो। दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने हाफ ऑफ द क्वेश्चंस कर लिए, 15 क्वेश्चन कर लिए। चलिए चलते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। देखो अब आपको इतना तो पता है ना, वाटर में, ये आपका वाटर का फॉर्मूला है, तो वाटर में से हाइड्रोजन और O2 लिबरेट होंगे, वो किस रेशियो में होंगे, तो इसके फॉर्मूला में पता चल रहा है। यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, यानी कि क्या रेशियो है, 2:1 है। क्या रेशियो है, 2:1 है, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो क्या रेशियो होगी, 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है, सिंपल है। हाँ जी चलो बहुत बढ़िया बात। चलिए चलते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। गोल्ड इज अ मेटल विच डज नॉट कोरोड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। वो कहते हैं गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कोरोजन नहीं करता है जब एटमॉस्फेयर में इसको एक्सपोज किया जाए। देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और इसके कहने का ये मतलब है कि गोल्ड जो है वो कोरोजन शो नहीं करेगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में ही नहीं आएगा। मतलब जब भी एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो कोरोजन नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है भी जो रिएक्टर सीरीज होती है उसमें गोल्ड जो है वो बिल्कुल बॉटम में प्रेजेंट होता है, और बॉटम में प्रेजेंट होता है इसका मतलब क्या है, इट इज हाईली अनरिएक्टिव मेटल। गोल्ड एक हाईली अनरिएक्टिव मेटल है, इसीलिए जब ये एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आता है, जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, तो कोरोजन एग्जिबिट नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18th। क्वेश्चन 18th क्या है, अ सब्सटेंस एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इज कॉल्ड। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था रेंसिडिटी वाले टॉपिक में, स्पेशली बताया था। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, नहीं तो आपकी बुक्स में आपको लास्ट वाले जो टॉपिक्स हैं, बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक, वहां पर ही आपको मिलेगा भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हम फूड के अंदर डालते हैं ताकि रेंसिडिटी ना हो जाए फैट्स और ऑयल्स के कारण, जिसके अंदर मतलब फूड के अंदर जिनमें फैट्स और ऑयल्स होता है, तो वहां पर हम एंटी ऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये थ्योरी वाली चीजें हैं जो पहले आपका एज ए क्वेश्चन पूछी जाती थी। ठीक है, अब आपको इन द फॉर्म ऑफ MCQs ही दे रखे हैं। क्लियर हुआ, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19th की तरफ। क्वेश्चन तो हाँ जी स्टूडेंट्स, 19th क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 19th है। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट, आपको इसमें रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। H2O plus F2 gives HF plus HOF, ये रिएक्शन है। तो सिंपल सी चीज है, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है। ऑक्सीडेशन इज द वन विच इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम ऑक्सीडेशन में ये भी तो देखते हैं भी आपके क्या हो रहे हैं, जो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का गेन, ये भी होती है ना ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज देखो, F2 जीरो है, जब F2 है तो वो जीरो है, HF में F पे क्या, -1, सीधी सी बात है, जीरो से माइनस वन का मतलब क्या हुआ, ये क्या हो रही है, रिडक्शन, और रिडक्शन हो रही है तो मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसने पूछा है अभी रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, अगर F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो H2O हमारा क्या है, H2O हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। वाटर इज अवर रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर क्या है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में such as the reaction between sodium sulfate solution and barium chloride solution। आपको उससे यहाँ पे क्या बोला है, एक रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, किन किन के बीच में हो रही है, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन के बीच में हो रही है और बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन के बीच में हो रही है।
इन दोनों रिएक्शंस के बीच में ये अकर कर रही है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। वो क्या कहता है कि आप एक एटम्स का एक्सचेंज होता है। सेकेंड ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, भी क्या आयंस का एक्सचेंज होता है। तीसरा वो कहता है प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है। चौथा वो कहता है इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ऑप्शंस क्या है, भी बी और डी करेक्ट है, ए और सी करेक्ट है, खाली बी करेक्ट है, बी सी और डी करेक्ट है। तो आप यहाँ पर खुद ही देखो, सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, ये हमारा क्या होता है सोडियम सल्फेट। इसको हमने बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ रिएक्ट करवाया। अब यहाँ पर पता क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो ये इस पे क्या होता है -2 चार्ज है, इस पे क्या हमारा +2 चार्ज है, -1 चार्ज होता है इस पे और इस पे +2 चार्ज है, ये है ना। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ता है, NaCl बनता है, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ता है, BaSO4 ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, आयंस का एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एटम्स एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, आयंस चेंज हो रहे हैं। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ रहा है। तो आयंस का एक तो एक्सचेंज हो रहा है, दूसरा स्टूडेंट्स आप जब इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हो ना, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। हेयर प्रेसिपिटेट इज ऑल्सो फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो बी और हमारा क्या होने वाला है, जो सी ऑप्शन है ये क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। लेकिन एक अब देखो, बी और सी तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, बी और सी ऑप्शन में नहीं है। तो देखो बी और डी है, ए और सी है, ए तो करेक्ट नहीं है, एटम्स का एक्सचेंज नहीं होता, तो ये तो कट गया। ओनली बी भी नहीं है, ओनली बी भी नहीं है। अब डी ऑप्शन को भी देख लो, इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, हमारा NaCl प्रोड्यूस हो रहा है ना, ठीक है। सो इनसॉल्युबल सॉल्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो बी सी और डी ऑप्शन हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। चलो अब देखो स्टूडेंट्स, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस, लाइमस्टोन के हीट से क्या बनता है। तो लाइमस्टोन हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपको नहीं पता कैल्शियम कार्बोनेट हमारा लाइमस्टोन होता है। लाइमस्टोन को हीट करने से क्या बनता है, लाइमस्टोन को जब भी आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, विच इज योर क्विक लाइम, जो क्या है क्विक लाइम है। लाइमस्टोन को आप जब भी हीट करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, क्विक लाइम प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और CO2 गैस रिलीज होगी। तो आपका क्या आएगा, क्या प्रोड्यूस होगा, क्विक लाइम, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम प्रोड्यूस होगा, और जो कि क्या हो जाएगा CO2 में भी स्प्लिट हो जाएगा, प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, क्विक लाइम हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, ध्यान से देखिए। द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ, ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है, ये देखो रिएक्शन यहां लिख लेते हैं, क्या रिएक्शन है, PbO प्लस H2 गिव्स Pb प्लस H2, यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन है ना। तो किस तरह की रिएक्शन है, देखो खुद ही समझो, पीबी जो है पीबीओ से पीबी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, रिडक्शन होती है मैडम। यहाँ देखो H2 से H2O बन रहा है, यहाँ क्या हो रही है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर रिडक्शन भी हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो जब रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों होती है एक रिएक्शन में, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, MCQs कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया था तीन तरह के क्वेश्चंस में करवाऊंगी, MCQs केस बेस्ड और assertion रीजन। तो MCQs हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब हम assertion रीजन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। assertion रीजन ध्यान से समझना क्या क्या होता है। पहला ऑप्शन assertion रीजन, ए आप कब करते हो, जब आपका assertion भी, पहले मैं कंडीशंस बता रही हूं, ये वहां लिखी होती हैं, व्हेन assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion।
आपको यहाँ दो स्टेटमेंट मिलती हैं, एक मिलता है assertion, एक मिलता है रीजन। तो पहला ऑप्शन आपके आपके ए बी सी डी ऑप्शन होते हैं ना, आपने बताना है ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। ए का मतलब क्या होता है, भी आपकी जो assertion दे रखी है ये सही है, रीजन दे रखा है ये सही है, और रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये होता है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिखो क्या होगा, ये वैसे आपको दे रखा होता है क्वेश्चन पेपर में पर मैं फिर भी बता रही हूँ। दूसरा होता है आपका assertion जो है वो करेक्ट है, आपका रीजन जो है वो भी करेक्ट है, बट रीजन उसे एक्सप्लेन नहीं करता। रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता, वो उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। दोनों सही होंगे पर ये इसका रीजन नहीं होगा, मतलब वो उसको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। क्लियर है? हाँ जी, पक्का ये चीज पता है। तीसरा क्या होता है, जब assertion सही है लेकिन रीजन गलत है, ठीक है। और चौथा क्या होता है, जब assertion गलत है और रीजन सही है। ये आपके चार ऑप्शंस होते हैं। अब आप रीड करते हैं इसको, कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन दे रखा है। फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। अभी हमने देखी भी थी, लिखवाई भी थी मैंने। Fe plus H2O हमें क्या दे रहा है, Fe3O4 plus H2 दे रहा है। ये हमारी रिएक्शन है। हमें उसने भी ये तो पता है ना assertion सही है, क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा भी था भी जब हम स्टीम को आयरन के साथ यानी कि वाटर को Fe के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो Fe3O4 बनता है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, assertion करेक्ट है, पहली चीज हमने देख ली। अब रीजन देखो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। वो कहते हैं क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, भी वो उसको होल्ड करता है गुड। तो ये भी हमने स्टार्टिंग वाले में देखा था ना, पहले वाला था, बी इज एकंपनीड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो रीजन भी मैम करेक्ट है, और ये अब इक्वेशन बैलेंस है। और आपको पता है बैलेंस इक्वेशन जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, बैलेंस इक्वेशन डिपेंड करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो ये जो हमारी बैलेंस इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे कंपनीड होती है, उस पर डिपेंड करती है, यानी कि रीजन इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हमारा assertion करेक्ट है, हमारा रीजन करेक्ट है, और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू assertion, ये भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए में वो यही बोलता था ना, assertion सही है, रीजन सही है, और रीजन assertion को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। रीजन क्या कर रहा है, उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा जो ए पार्ट है वो हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24th में भी यही है, रूल्स मैंने आपको अभी समझा दी है। ए ऑप्शन में क्या होगा, assertion सही है, रीजन सही है, assertion उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। बी ऑप्शन में क्या होगा, assertion सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा। सी में क्या होता है, assertion सही है, रीजन गलत है, और डी में क्या होता है, assertion गलत है, रीजन सही है। ये एक्सप्लेन कर दे, अब सीधा बताना आपने, आपको assertion क्या दे रखा है इसके लिए, CuO plus Zn gives ZnO plus Cu। इस रिएक्शन को मैं यहां लिख देती हूँ, CuO plus Zn gives ZnO plus Cu। ये रिएक्शन आपको स्टूडेंट्स दे रखी है। वो बोलता है जिंक इज गेटिंग ऑक्साइड ऑक्सीडाइज। देखो यहां से Zn जो है वो ZnO में बदल रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे स्टूडेंट्स हो रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो साफ दिख रहा है। CuO से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। यहां क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जिंक इज गेटिंग ऑक्साइड, ये बिल्कुल करेक्ट है, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और इसकी रिडक्शन हो रही है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लूज हो रहा है। तो हमारा assertion जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। The process in which oxygen is removed from a substance is called reduction. ये gain of oxygen है तो oxidation है, ये reduction अगर हम loss of oxygen है तो वो reduction है। तो ये भी चीज सही है, ये भी बिल्कुल बता रहा है, और ये इसको explain भी कर रहा है। हाँ देखो reaction में explain भी कर रहा है। तो option number A correct हो जाएगा, जब हमारा assertion सही है, हमारा reason सही है, और reason assertion को explain भी कर रहा है। Clear है? बहुत बढ़िया बात। चलिए चलते हैं एक और assertion reason के question पर, question number 25 पे। देखिए क्या question है, assertion दे रखा है आपको, calcium carbonate CaCO3 ये क्या देता है, calcium oxide देता है और CO2 देता है। चलो ये reaction हमें दे रखी है, ठीक है जी।
ये रिएक्शन बिल्कुल सही है, अभी देख के हटे हैं ना, हमने बोला था अभी जब लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो क्विक लाइम में वो कन्वर्ट हो जाता है और CO2 रिलीज होता है, तो वही है, बिल्कुल वही है, मतलब एजर्शन तो सही है। रीजन देखो, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन या डी आएगा, डीकम्पोजिशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मैं बता दूं यहाँ पर ना ऐसे हीट का सिंबल भी आता है, और ये फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन नहीं है, इट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, ये हीट के प्रेजेंस में डीकम्पोज होगा, ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स। तो रीजन ही हमारा क्या है, रीजन हमारा गलत है। तो मैंने आपको बताया था तीसरा ऑप्शन क्या होता था, सी ऑप्शन में क्या था, एजर्शन सही है और रीजन क्या है, गलत। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा, दैट एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, रीजन गलत है। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारे एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी हो गए हैं, ठीक है, एमसीक्यूज मैंने करवा दिए, एजर्शन रीजन तीन तीन चार चार हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी। एमसीक्यूज हो गए, एजर्शन रीजन हो गया, अब आती है लास्ट टाइप जो की है केस स्टडी। केस स्टडी के क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से दिखने वाले 26 से लेके 30 वाले, वो सारे केस स्टडी में आएंगे। केस स्टडी में उसने आपको एक यहाँ पे एक इक्वेशन दिया और एक डायग्राम दे रखा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बोले हैं, भी उसको पढ़ो, उसको समझो और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करो। देखो क्या क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन MnO2 विद HCl, ये देखो ये क्या है, ये एक आपके पास बीकर दे रखा है आपको, इस बीकर में वो HCl डाल रहा है और इसके अंदर MnO2 प्रेजेंट है। वो कहता है रिएक्शन बिटवीन MnO2 और HCl इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, इस डायग्राम में दिख रहा है, वो पता नहीं आपको दिख भी रहा है क्लियरली कि नहीं, पर मैं इतना बता देती हूँ, ये एक बीकर बना हुआ है, ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर नीचे आपको जो है यहां पर ना MnO2 है और ऊपर से जो है वो HCl डाला जा रहा है, तो इनके बीच में जो रिएक्टेंट है ना, ये जो रिएक्शन है आपको दिखा दिया, इट इज ऑब्जर्व दैट अ गैस विद ब्लीचिंग एबिलिटीज वॉज रिलीज्ड। अब जब ये रिएक्शन हो रही है तो देखा जाता है गैस निकलती है जिसके पास ब्लीचिंग एबिलिटीज है, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं, क्या क्वेश्चन है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl, ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, ये जो रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है ये आपको किसका एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, इसको ध्यान से देखो। पहले आप इस रिएक्शन को अगर लिखना चाहोगे तो मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट लिख देती हूँ। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है MnO2 और हमारे पास है HCl, तो यहां से जो स्टूडेंट्स हमें प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है वो क्या होता है, MnCl2 ऑब्टेंड होता है, ठीक है जी, और हमारे पास क्या ऑब्टेंड होता है, इधर से वाटर ऑब्टेंड होता है। ध्यान से इस रिएक्शन को नोट करेंगे, MnO2 प्लस HCl जो है वो क्या रिलीज करता है, MnCl2 H2O और एक हमारे पास Cl भी बचता है, तो यहाँ से Cl2 भी निकलता है, ये रिएक्शन है। अब आपसे पूछ रहे हैं ये किस तरह की रिएक्शन है, किसका एग्जाम्पल है, तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, जब एक एटम दूसरे एटम की जगह दे दे, यूजुअली ये कैसा दिखता था, ये ऐसा होता था, ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी, ये होता था ना, ए ने बी की जगह डिस्प्लेस कर दी, उसको हटा दी और उसकी जगह ले ली, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है, नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको दो रिएक्टेंट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या होता था, एक एटम होता था और एक आपके पास कंपाउंड होता था, तो वो एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करता था, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, ये तो नहीं होगा। दूसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ तो दो कंबाइन करके इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, है ना, तो ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमेंटेनियसली अकर करें, मतलब एक साथ हो, साइमेंटेनियसली नहीं एक साथ हो। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर आप देखो ऑक्सीजन पे है -2 चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो Mn पे है वो कितना है, +2 चार्ज है। HCl पे Cl पे -1, H पे +1, ये मैंने करवा रखा है ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखा बैलेंसिंग, या आप देखोगे इक्वेशन, आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 10th क्लास के चैप्टर की सेकेंड या थर्ड लेक्चर है, आप देख सकते हो जाके, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना बाय शौर्य ग्रोवर, मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये सब का हमने ऊपर चार्जेस लिख दिए, ध्यान से देखना। इसके अलावा एक और अच्छा तरीका बताती हूँ, इसको और इजीली हम कैसे कर सकते हैं। MnO2 जो है ये MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, साफ दिख रहा है, मतलब ऑक्सीजन लूज हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। दूसरी चीज देखो, HCl जो है, HCl जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2O में हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, हमारी ऑक्सीडेशन।
तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आप इसको चार्जेस के थ्रू करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपने ध्यान रखना है जैसे यहाँ पर ना O2 है तो दो ऑक्सीजन के लिए करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक Cl के लिए -1 दे रखा है, यहाँ पर आपको ये देखो दो Cl के लिए -1 दे रखा है, फिर आप उसमें कंफ्यूजन हो जाओगे। इससे बेटर आप इसको सीधा इस तरह से कर लो भी, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 क्या कहता है, क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। तो मैं बता दूं, क्लोरीन गैस जो है वो ड्राई CaOH2 के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, ड्राई इसके साथ, ठीक है, और तब वो हमें ब्लीचिंग पाउडर देती है, क्लियर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। पहले देख लेते हैं, देखो MnO2 जी है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हो रहा है, और HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। MnO2 रिड्यूस हो रहा है, HCl इज ऑक्सीडाइज, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भी MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लियर है, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब देखो इन द अबव डिस्कस्ड रिएक्शन, वो कहता है MnO2 की नेचर बताओ। तो MnO2 स्टूडेंट्स क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, क्लियर है, हाँ जी। आगे देखिए, व्हाट विल हैपन इफ वी टेक ड्राई HCl इंस्टेड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। वो कहता है HCl की जगह पर आप ड्राई HCl गैस ले लो एक्वा सॉल्यूशन की बजाय, तो मैं बता दूं वो रिएक्शन अकर नहीं करेगी, रिएक्शन विल नॉट अकर, क्या आएगा आंसर, बी, रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, हाँ जी स्टूडेंट्स। तो यहीं पर हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है ये फिनिश होता है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने किए हैं कुल 30 questions, 30 questions में हमने किए हैं MCQs, हमने किया है केस बेस्ड क्वेश्चन, फिर हमने assertion reason, ये तीनों टाइप्स जो कि आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन का पैटर्न है इसको कंप्लीट किया है। तो आज का डे वन का हमारा जो है वो कंटेंट कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आपसे बस इतनी सी गुजारिश है भी, अगर आपको समझ आया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने व्यूज कमेंट करके जाइएगा, ताकि मुझे पता चलेगा भी आपको मजा आ रहा है इसको करने में, इंटरेस्टिंग लग रही है सीरीज। साथ ही साथ लाइक करिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है टुवर्ड्स मेकिंग ऑफ वीडियो, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है भी फटाफट से स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनानी है। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब एक रेड कलर का दिख रहा होगा, जस्ट मेरे नेम के साथ उस पर क्लिक कर दीजिए, चैनल से आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो डलेगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी भी वीडियो डल गई है, तो आप टाइम टू टाइम अपडेटेड रहेंगे। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि ये जो बोर्ड की प्रैक्टिस अब आपकी होने वाली है ये हर स्टूडेंट्स तक वीडियोस पहुंच सके और वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि सीरीज का नाम ही क्या है, अभ्यास सीरीज है। तो मिलेंगे डे टू के अंदर अभ्यास सीरीज के। फिर से बता दूं, डे वन आपका चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे था, डे 2 भी आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पर है। तो अभी आपने कुछ क्वेश्चन से आपका कुछ चैप्टर रिवाइज तो हो ही गया होगा, है ना। अब आप बैठ कर आज फिर से अपनी नोटबुक्स के नोट्स रिवाइज करिए, ताकि डे 2 के अंदर अब आप खुद से अटेम्प्ट करना सीखेंगे यही चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो मिलते हैं कल डे 2 पे अभ्यास सीरीज में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।